नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आपकी प्रमुख खबरें। लालच देकर दर्जनों महिलाओं को ईसाई बनाया। यूपी के आगरा में पिछले दिनों धर्म परिवर्तन को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। इसी बीच आगरा में ही एक गांव की दर्जनों हिंदू महिलाओं ने कथित तौर पर लालच में आकर ईसाई धर्म अपना लिया है। एक जानकारी के मुताबिक अब इनके घरों में राम कृष्ण की नहीं बल्कि ईसा मसीह और मरियम की पूजा होती है। मामला आगरा से करीब 20 किलोमीटर दूर एतमादपुर तहसील के गांव गढ़ी संपत्ति का है। इस गांव में करीब 2000 लोगों की आबादी है। दूसरी ओर दिल्ली के रोहिणी में बनवासी रक्षा परिवार द्वारा आयोजित कुंभ कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कड़ा रुख अपनाते हुए घर वापसी का पुरजोर समर्थन किया है। सिंघल ने कहा है कि जंगल में रहने वाले लोगों को ईसाई बनाकर उनके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को वापस लाना जरूरी है। भागवत ने भी साफ कह दिया कि जो हो रहा है वह कतई गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार झूठी, नीतीश कुमार ने कहा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित जनता परिवार के महाधरना को संबोधित करते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने यहां मौजूद लोगों को पीएम मोदी की ऑडियो सुनाकर कहा कि आप इस आवाज़ को पहचान रहे हैं ना। इसके बाद नीतीश ने कहा कि मोदी ने जो काला धन वापस लाने का वायदा किया था उसको निभाने में उनकी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी और उनकी सरकार झूठी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर शिवसेना ने भी नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हमले झेल रही मोदी सरकार अब अपने ही सहयोगी दल शिवसेना के निशाने पर आ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में छपे लेख में मुगल शासन का जिक्र करते हुए धर्मांतरण को सही ठहराया है तथा भाजपा पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। सामना में छपे लेख में शिवसेना ने कहा है कि मुगल राज में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, वो भी ताकत के बल पर। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया था, लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म पीके ने पहले वीकेंड में कमाए 92 करोड़ रुपए। फिल्म पीके से बॉलीवुड को उम्मीद थी कि पहले वीकेंड में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि यह फिल्म 92.50 करोड़ रुपए की कलेक्शन करने में जरूर सफल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म 250 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। आमिर खान अभिनीत इस फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।